खरगोन जिले की भिकनगांव पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों द्वारा भिकनगांव की रहने वाली 13 और 16 साल की दो चचेरी बहनों को बहला फुसला कर अपहरण कर इंदौर के बाद देवास में रखा गया था, जिसके बाद वे खंडवा जिले के पंदाना ले जाई जा रही थी, तभी वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों द्वारा दोनों चचेरी बहनों का अपहरण कर उन्हें देह व्यापार में धकेलने की साजिश थी, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब होने के पहले ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि 8 जून को भिकन गांव के मंडी रोड निवासी फरियादी इब्राहिम द्वारा उसकी 14 वर्ष की लड़की और उसके बड़े भाई की 16 वर्ष की लड़की की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खरगोन चेलन सिंह चौहान द्वारा भिकन गांव के थाना प्रभारी जगदीश गोयल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर अपहरण की घटना का पर्दाफाश करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दोनों लड़कियों को लेकर पंदाना जा रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपियों के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाया। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम 8 तारीख को एक सूचना मिली कि दो बालिकाएं हैं, जिसमें से एक की उम्र 16 साल और एक की 14 साल, वो अचानक गायब हो गई है, जिस पर से थाना भिकनगांव में FIR दर्ज की गई। FIR धारा 363 की दर्ज की जाने पे जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि इन लड़कियों से इंस्टाग्राम के ऊपर एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो चैट कर रहा था, और उस चैटिंग के दौरान उसने उनको प्रलोभन देके और झूठे आश्वासन देके उनको किडनैप किया है। और इस सूचना को जब हमारी टीम गठित है उसको पता चला तो पुलिस इनके पीछे लगी, जिस पर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे दोनों अपहृत बालिकाओं को भी बरामद किया है। और ये 5 आरोपियों में से एक महिला है, 2 सगे भाई हैं और 1 उनकी ननद का पति है, बहन का। इस तरह से इस अपहरण का पर्दाफाश किया गया। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।